हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में कैग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में, जिसके सामने आते ही एक के बाद एक सिलसिलेवार कई खुलासे हुए। दरअसल हरियाणा सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सिलसिलेवार गंभीर सवाल खड़े करती हुई सीएजी की रिपोर्ट जब सामने आई तो विपक्ष ने हमलावर होते देर नहीं की। संविधान की 70वीं वर्षगांठ पर मंगलवार को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में कैग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई, जिसके सामने आते ही एक के बाद एक सिलसिलेवार कई खुलासे हुए। दरअसल हरियाणा सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सिलसिलेवार गंभीर सवाल खड़े करती हुई सीएजी की रिपोर्ट जब सामने आई तो विपक्ष ने हमलावर होते देर नहीं की। दरअसल सदन के विशेष सत्र में रखी कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। साथ ही पीजी डिप्लोमा और एमबीए कोर्स में 40 से 56% दाखिलों में कमी रही। वहीं विश्वविद्यालय में 55% टीचिंग स्टाफ की जो कमी थी उसे पूरा ही नहीं किया गया। वहीं 41% गैर शिक्षण स्टाफ की कमी थी उसकी भी भरपाई नहीं की गई। वहीं 41% गैर शिक्षण स्टाफ की कमी थी उसकी भी भरपाई नहीं की गई। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में हॉस्टल में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं पर भी सवाल उठाए गए। दरअसल आमतौर पर कैग की रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान पेश होती है, लेकिन इस बार पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के चलते कैग की रिपोर्ट को पटल पर नहीं रखा गया था। मंगलवार को संविधान दिवस पर आयोजित विशेष सत्र के दौरान सरकार ने कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी, जिसमें कई विभागों में बड़ी खामियां और अनियमितताएं सामने आई। विभागीय अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे रहे और जिम्मेदारों ने जमकर लापरवाही बरती। हरियाणा में कैग रिपोर्ट में सरकारी विभागों में कई वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ। कहीं सरकार ने राजस्व की उचित वसूली नहीं की तो कहीं उचित भुगतान नहीं किए, जिससे खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कई योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां पाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता पवन सिवर जुड़े हैं। जी पवन, विधानसभा के इस सत्र में जो है कैग की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया था और ये विशेष सत्र संविधान दिवस के मौके पर बुलाया गया था। विशेष सत्र में हरियाणा विधानसभा में कैग की रिपोर्ट जो है वो भी सदन के पटल पर रखी गई थी। कैग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे जो है वो हुए हैं, और सरकार के मार्च 2018 तक का जो कार्यकाल है, यानी एक साल की जो ये रिपोर्ट है, इसमें कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े किए हैं। कई जगह पर भारी अनियमितताएं जो है वो बरती गई है, और ऐसे में जो है वो सरकार के लिए अब जो है इस पूरे मसले पर जवाब देना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि जो अनियमितताएं है वो इस तरीके की है। खासतौर पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो है उसमें कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि पीजी डिप्लोमा और एमबीए कोर्स में 40 से 56% दाखिलों में कमी रही है। विश्वविद्यालय में 55% टीचिंग, 41% नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसकी कमी है, जिसको पूरा नहीं किया जा सका। हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिला है। इसके अलावा सरकार ने जो भूजल प्रबंधन पर जो है वो दावे किए हैं उस पर भी कैग ने सवाल खड़े कर दिए। कैग ने कहा है कि कम स्टाफ के चलते लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, 471 में से 241 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन पाए। साथ ही कैग ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि फतेहाबाद और अंबाला में दो मिलरों को गलत आंकलन करके 24 करोड़ का जो है वो फायदा दिया गया है। कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने मिली भगत करके दो राइस मिलर्स को जो है वो फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने दो कॉलोनाइजरों को लाइसेंस देने में अनुचित लाभ दिया है। इसके अलावा जो है वो परिवहन विभाग में 418 बसें खरीदी गई, जिनमें से 317 बसों का उपयोग नहीं हो पाया सही तरीके से, और इसके चलते 48 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। साथ साथ खनन में भी घोटाले के आरोप जो है
वो लगे हैं। बड़ा आरोप जो है वो कैग ने ये लगाया है, कैग अपनी रिपोर्ट में, कि जो खनन है वो इतना अवैध खनन एक जगह पे हुआ जिससे पानी की धारा जो है वो बदल गई, यानी खुदाई जो करनी थी उसके लिए जितना क्राइटेरिया था उससे ज्यादा खुदाई की गई, जिसके चलते पानी का बहाव जो है वो बदला। और इसके अलावा जो है वो कई और घोटाले जो है वो उजागर कैग की रिपोर्ट में किए हैं, कई जगह पर भारी अनियमितताएं कैग की रिपोर्ट में सामने आई है। जी पवन जी, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम जो कैग की रिपोर्ट में सामने आए हैं, खुलासे हुए हैं, जो बातें सामने आई, कई सवाल खड़े होते हैं, क्या इस पर किसी का कोई रिएक्शन भी अभी तक सामने आ पाया है? देखिये, अब इस मामले में अभी तक जो है वो आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी ना विपक्ष की है ना सत्ता पक्ष की है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट जो है वो एक बड़ा डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ भी कहने से पहले चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, वो इस तथ्य को देखना चाहता है, तथ्य को समझना चाहता है, उसके बाद ही कोई टिप्पणी जो है वो इसके ऊपर की जा सकती है। आज पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान कैग की रिपोर्ट को लेकर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करें। लेकिन कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई, जहां से तमाम ये जो जानकारियां हैं ये निकल कर आई है, और कैग की रिपोर्ट के आधार पर अब सरकार जो है वो अपना क्या सफाई देती है, किस तरीके से सरकार का रिएक्शन रहता है, उसके ऊपर नजर बनी रहेगी। जी पवन जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कैग की रिपोर्ट आमतौर पर बजट सेशन में पेश की जाती है? बिल्कुल, बजट सत्र में भी कैग की रिपोर्ट पेश की जाती है, लेकिन हरियाणा में चुनाव के चुनाव के चलते जो चुनाव में पिछला जो आखिरी जो हरियाणा सरकार का पूर्व के कार्यकाल का जो आखिरी विधानसभा सत्र था उसमें कैग की रिपोर्ट जो है वो नहीं रखी जा सकी थी, और इसी के चलते अब जो ये एक मौका आया विशेष सत्र के मौके पर, कैग ने अपना जो उनका दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार था उसको जो है वो रखा है। लेकिन ऐसा जो है वो नियमानुसार कोई तय नहीं है कि बजट सत्र में ही कैग की रिपोर्ट को रखा जाएगा या उससे पहले के किसी सत्र में या बीच के किसी सत्र में नहीं रखा जा सकता, ऐसा कोई तय नियम नहीं है। और कैग जो है वो जब जब जैसे जैसे एनालाइज करती है उसके बाद जो उनका डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो हरियाणा के विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। और ये जो कैग की रिपोर्ट है ये मैं स्पष्ट कर दूं कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, यानी ये रिपोर्ट 2017-18 का जो वित्तीय वर्ष रहा है उसकी रिपोर्ट है, यानी अभी 2018 से अप्रैल से 2019 मार्च तक की जो रिपोर्ट है वो उसका एनालाइज नहीं हुआ है। वो एनालाइज कैग जैसे जैसे करेगा उसके बाद उस रिपोर्ट के तथ्य जो है वो आगामी विधानसभा जो सत्र होंगे उसमें सामने आएंगे, लेकिन ये जो रिपोर्ट है 2017-18 वित्तीय वर्ष की है। जी पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।